bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum dear students uh, students we were studying about uh, reactions of aromatic hydrocarbons and in that respect we have studied the nitration of benzene uh, today we will uh, discuss about some more reactions of aromatic hydrocarbons and for that we will uh, study the general reactions of benzene because all the aromatic hydrocarbons have benzene ring uh, so we will study particular reactions of Benzene. So today we will study sulfonation of benzene. Sulfonation of benzene means introduction of sulfonic acid group on benzene ring. Uh, so, sulfonic acid group um, can be introduced on benzene ring by treating benzene with concentrated sulfuric acid at a high temperature.

रिवर्सिबल रिएक्शन है लेकिन इसको हम सेवरल टेक्निक से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को साथ साथ रिमूव करते जाएं, जो इस रिएक्शन में वाटर फॉर्म हो रहा है अगर इसको हम यहाँ से साथ साथ रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्शन जो है वो मेनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा हो हो रहेगा क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट में से किसी भी चीज को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉर्वर्ड डायरेक्शन में होता रहेगा तो यहाँ पर अगर हम वाटर को रिमूव करते रहेंगे तो ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहेगा और हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है उसकी अच्छी यील्ड मिल जाएगी अच्छा ये तो एक रीजन था कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं इसके अलावा बच्चों हम इसको सल्फर ट्राइक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं उसकी रीजन ये है कि इस रिएक्शन में जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल uh, है वो एसओ ही है ठीक है इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड भी जब हम यूज करते हैं तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैकिंग रिएजेंट है दैट इज SO3 तो अगर हम बेंजीन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लें तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड अब ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज हो सकती हैं बट मोस्ट प्रोबेबल यही है कि इसमें जो SO3 है सल्फर ट्राईऑक्साइड है वही एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है फॉर दी एरोमेटिक सल्फोनेशन अब नेक्स्ट हम बच्चों इसका मैकेनिज्म देखेंगे इससे पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शंस हैं उनमें फर्स्ट स्टेप में ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो भी उसके एडजेसेंट कार्बन होगी यानी जहाँ के इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन कहते हैं या उसको साइक्लोहेक्साडाइनाइलकेटाइन इंटरमीडिएट भी कहते हैं और लास्ट स्टेप में ऑलवेज एक बेस होगी जो उस प्रोटॉन को रिमूव करेगी जो उस कार्बन पे होगा जहां पर आके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ था ताकि दोबारा से जो रिंग है उसकी एरोमेटिसिटी दोबारा से रिकवर हो सके तो ये दो स्टेप्स हैं इसके अलावा कुछ स्टेप्स इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है अब फर्स्ट स्टेप देखें इसका सल्फोनेशन में ये एसओ थ्री एक्चुअल अटैकिंग स्पीशी है इलेक्ट्रोफाइल है एसओ थ्री सल्फर ड्राइक्साइड मॉलिक्यूल सल्फर के तीनों ऑक्सीजन के साथ

पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब ये है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स और और इसी को साइक्लोहेक्सा डाइनाइल केटाइन भी कहते हैं ठीक तो है साइक्लो एलकेन है और टू डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए इसको ये क्या है साइक्लोहेग्जा डाइन लेकिन ये केटाइन है इसलिए साइक्लोहेक्सा डाइनाइल केटाइन इंटरमीडिएट इसको लिख दिया गया है ठीक है पहला स्टेप था इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ बेंजीन का बॉन्ड बनेगा विद पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट स्टेप में देखें अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होके H पॉजिटिव और बायसल्फेट आयन बनाएगा अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट था इसमें से ये प्रोटॉन जो है वो बेस ने एब्स्ट्रैक्ट करना है अब बेस यहाँ पर क्या है ये बायसल्फेट आयन जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस है तो ये बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्सट्रेक्ट कर लेगी ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पर चले जाएंगे ये बॉन्ड दोबारा से बन जाएगा और जो दिन उसकी एरोमेटिसिटी दोबारा से बहाल हो जाएगी ठीक है फर्स्ट स्टेप स्लो था बच्चों ये स्टेप फास्ट है बेंजीन दोबारा से बन गया अब लेकिन इस ऑक्सीजन पे अभी एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ये बायोसल्फेट आइन एक प्रोटॉन लेकर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अब ये अभी स्टेबल नहीं है क्योंकि ये एसओ थ्री नेगेटिव है तो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा थर्ड स्टेप में फिर से एक प्रोटोन ट्रांसफर होगी और ये सल्फ्यूरिक एसिड के मालिक्यूल से एक प्रोटोन ले लेगा ठीक है ये सल्फ्यूरिक एसिड के मालिक्यूल से एक प्रोटोन ले ले लेगा और यहाँ पर एसओ थ्री ओ एच बन जाएगा और हाइड्रोजन सल्फेट टाइम बाकी बच जाएगा ठीक है हाइड्रोजन सल्फेट दोबारा से अपने ही एच पॉजिटिव के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है ठीक है तो ये था बच्चों सल्फोनेशन का मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप में सल्फर ड्राइक्साइड बेनजनियन के साथ अटैच होगी एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सेकंड स्टेप में प्रोटॉन रिमूव करेगी बेस और थर्ड स्टेप में ये ऑक्सीजन जो है वो एक प्रोटॉन ले लेगी यानी मैकेनिज्म मेकेनिज्म में यहाँ तक कंप्लीट हो गया बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको कमसेट करने के लिए बैलेंस करने के लिए ये सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटोन लेकर स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी

नेक्स्ट डेक्शन इज हेलोजिनेशन इसमें पर्टिकुलर वन उन्होंने ब्रोमिन दे दिया, ब्रोमीन दे दिया, ब्रोमीन दे दिया।, दिया। तो हम हेलोजिनेशन के लिए ब्रोमीन या कलोरिन ही लेते हैं अच्छा जी बच्चोंशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजिन ग्रुप टू बेनजिनशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजिन एटम टू बिंग नाउ हाउ इट कैन बी डन यहाँ पर आपने जनरल रिएक्शन लिखना है जनरल रिएक्शन में आप लिखेंगे बेंजीन प्लस ब्रोमीन एरो एरो के ऊपर आप लिखेंगे एसिड कैटलिस्ट दैट इज और प्रोडक्ट में होगी ब्रोमो बेंजीन और प्लस एच ठीक है यहाँ जनरल रिएक्शन नहीं दिया गया आपने जनरल रिएक्शन लिखना है बेंजीन प्लस ब्रोमीन कैटलिस्ट को एरो के ऊपर लिखेंगे और फिर ब्रोमो बेंजीन प्लस एच बन जाएगा अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म दिया गया है इस केस में बच्चों हमने लिवर एसिड कैटलिस्ट लेना है जो कि एफ ई बी आर थ्री होता है एफ सी एल थ्री हो सकता है ए एल सी एल थ्री हो सकता है ये सारे क्या है लिवर एसिड हैं अब लिवर एसिड कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है लिवर एसिड कैटलिस्ट ब्रोमीन या मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ से एक ब्रोमीन को एज अ नेगेटिव अपने साथ कर लेगा ये बन जाएगा एफ बी आर थ्री बी आर आप इसको इकट्ठा लिख सकते हैं एफ पी बी आर फोर नेगेटिव है? ये क्या है एक्चुअल में एफ ई बी आर फोर नेगेटिव और ये ब्रोमीन पॉजिटिव सेपरेट हो जाता है ठीक है uh, अब कैटलिस्ट uh, क्या करता है वो एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है यानी अगर ये दोनों ब्रोमीन इकट्ठी हैं तो ब्रोमीन जो है बेंजीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में उसे डिफिकल्टी होगी इजीली बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा लेकिन जब ये ब्रोमीन पॉजिटिव बन जाएगा तो बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इजिली आके इस पे अटैक कर सकते हैं तो कैटलिस्ट का फंक्शन जस्ट क्या है टू क्रिएट अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन रिंग के पाए इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ आके अटैच हो जाएंगे ये रिंग ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा यानी ये क्या बन जाएगा एफ ई बी आर फोर नेगेटिव आपने इसको इकट्ठा लिखना बच्चों एफ ई बी आर फोर और ऊपर नेगेटिव साइन लगा देना अब ये ब्रोमीन ने पाईलेक्ट्रॉन यूज कर लिए बच्चों तो यहाँ इस यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब ये वही जो मैंने आपको बार बार बताया है आ, ये आ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है या अरेनियम आइन है या फिर साइक्लोहेक्नाइल केट आइन है ठीक है फर्स्ट स्टेप में ये बन गया अब सेकंड स्टेप में बेस जो है वो यहाँ से प्रोटॉन एब्सट्रेक्ट करेगी और बेस कौन सी बेस प्रोटॉन एब्सट्रेक्ट करेगी यही वाली पेस्ट एफ आर फोर नेगेटिव है वही यहाँ पर प्रेजेंट होगी एफर जो है वो एक उससे हो जाएगा और रिंग ले 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 की एरोमेटिसिटी दोबारा से रिकवर हो जाएगी इस तरह हमारे पास ब्रोमो बेनजिन आ जाएगी प्लस एच बी आर प्लस एफ ई बी आर थ्री जो हमने कैटलिस्ट यूज किया था स्टार्ट में वो एट द एंड एज सच प्रेजेंट होगा <coughs> ये साइक्लोहेक्साडाइन के का बच्चों पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो सकता है और फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो सकता है यानी जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया ये उससे ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट होगा और फिर पैरा पे और फिर नेक्स्ट ऑर्थो पोजिशन पे ये प्रेजेंट हो सकता है तो ये

को रिमूव करेगा क्लोराइड को रिमूव करेगा यानी यहाँ से क्लोरीन जो है वो विद इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से रिमूव होगी और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा अब ये कार्बोकेटाइन जो है ये पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है यानी इजिली बेनजिन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वाकई इसके साथ यहाँ पर अटैच हो जाएंगे लेकिन जब तक इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इसका रिएक्शन बेनजिन के साथ नहीं होगा या बहुत ही स्लो होगा

अरेनियम आइन और साइक्लोहेक्नाइल केटाइन ये तीनों एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स हैं ये ग्रुप अटैच हो गया अब नेक्स्ट स्टेप बेस ने, ने यहां से प्रोटॉन रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन ने दोबारा यहाँ पे आना है और वो बेस कौन सी है ए एल सी एल फोर माइनस जो कैटलिस्ट ने क्लोराइडाइन एक्सेप्ट करके बनाई ए एल सी एल फोर नेगेटिव वो बेस है अब यहाँ से दोबारा क्लोराइन रिमूव होगा और वो यहाँ से प्रोटोन को रिमूव करके एच सी एल बना देगा प्लस कैटलिस्ट एज सच हमारे पास आ जाएगा जैसे स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में था और हमारे पास एल्काइल बेंजीन आ <coughs> तो ये है बच्चों टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन क्योंकि ये ग्रुप जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है तो ये हमारे पास आ गई टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन फर्स्ट स्टेप स्लो है बट सेकंड स्टेप फास्ट है तो यही स्टेप जो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है

ये दोनों जो हैं कंपाउंड्स ये भी कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लेते हैं तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट फिर कार्बोकेटाइन ही चाहिए इसलिए हम एल्कोहल और एल्किन को यूज करते हुए भी की कर सकते हैं नेक्स्ट है बच्चों फेडरल क्राफ्ट ए साइलेन फेडरल क्राफ्ट ए साइलेन में क्या है बच्चों हम एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं एल्कालेन में अलकाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ था बट एसाइलेशन में हम एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे और एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम बेंजिन रिंग को ट्रीट करवाएंगे या तो एसिड हैलाइड के साथ या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ और कैटलिस्ट इसमें भी सेम होगा लिवर एसिड कैटलिस्ट अब हम मैकेनिज्म इसका देखते हैं एसिड हैलाइड है ये बच्चों एसिड हैलाइड कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं एसिड हैलाइड जो है वो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड को अगर हम थायोनिल क्लोराइड से ट्रीट करवाएं

अह फ्रेडक्राफ्ट एल्काइलेशन जो है उसकी वजह लिमिटेशन है उसकी लिमिटेशन ये है कि जब हम मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बेंजीन रिंग में तो जो मिथाइल ग्रुप है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो बेंजीन रिंग को फर्दर एक्टिवेट कर देता है यानी उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है अब जब रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो रिएक्शन जो है वो मोनो एल्काइलेशन स्टेज पे स्टॉप नहीं होता फर्दर उसकी एल्कालेशन होती जाती है और न्यू एल्काइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजिशन पे आ सकता है या फिर पैरा पे आ सकता है और अगर ऑर्थो और पैरा पे आ गया तो फिर नेक्स्ट ऑर्थो पे आ सकता है तो फर्दर जो है वो एल्कालेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं यानी इस केस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको सेपरेट करना मुश्किल होता है तो ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है कि इसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते तो ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है कि हम बेनजिन को एक्सेस में लें ठीक है बेनजिन को हम एक्सेस में लें तो फिर जो बेनजिन है उसकी ही एल्कुलेशन होती जाएगी ठीक है इसकी लिमिटेशन के लिए आपने बेनजिन को एक्सेस में लेना है अब इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या है कि इसमें हमने देखा था स्टार्ट में कि कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन जब बनता है अगर तो वो ट्रशरी है तो ठीक है वो स्टेबल है लेकिन अगर वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है जैसे इस केस में अगर हम यहाँ पर प्रोपाइल हेलाइड लें यहाँ से क्लोरिन रिमूव होगी तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता वो रीअरेंजमेंट से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ जाएगी और यहाँ कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो इस तरह एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे

आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगी नेक्स्ट है बच्चों हमने अगर इसी की एक और एग्जाम्पल है ये कंपाउंड हमने लिया ये बच्चों इसका नाम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ठीक है ये थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों यहाँ पे अपने नाम खुद ध्यान से देखना है कि ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है ठीक है ये एन प्रोपाइल ग्रुप नहीं है ये आइसोब्यूटाइल है सी एच टू सी एच और इस सी एच के साथ दो सी एच थ्री ग्रुप लगे हुए हैं एक साइड पे लगा हुआ और एक ऊपर लगा हुआ है तो ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है अब वैसे तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा तो ये कार्बोक्टाइन कौन सा होगा प्राइमरी लेकिन फौरन से ही यहाँ से प्रोटॉन इधर आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी ये टर्शरी कार्बोक्टाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ओनली प्रोडक्ट इसमें ये बनता है जो कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया हालांकि हमने जो लिया था वो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड था आइसोबिटाइल ग्रुप को यहाँ इंट्रोड्यूस होना चाहिए था लेकिन आइसोबिटाइल में जो कार्बोकेटाइन है दैट इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन वो फोरन से टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट वन प्रोटॉन के ट्रांसफर से तो सारा जो प्रोडक्ट है वही बनेगा जो टर्शरी कार्बोकेटाइन से होगा यानी टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन इसका ओनली प्रोडक्ट होगा तो इस लिमिटेशन को कम करने के लिए हम ये कर सकते हैं बच्चों कि हम अल्काइल की बजाय

ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया इसके बाद हम इसकी जिंक मलगम और एच से रिडक्शन करवा सकते हैं ये टू टाइप्स की हमारे पास रिडक्शन मेथड हैं जिनसे हम सी डबल वन ओ को सी एच टू में कन्वर्ट कर सकते हैं ये है क्लेमें रिडक्शन एंड वुल्फ कृष्ण रिडक्शन इन दोनों रिडक्शन का रिजल्ट ये है कि जहां भी सी डबल वन ग्रुप हो वो सी एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा

एरिन्स भी आ जाएंगी जिनके साथ ऐसी बेंजीन जिसके साथ स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप लगा हो इसलिए इसमें ये जो एसाइल एसाइलियम आयन बनता है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती एल्काइल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होती है लेकिन इसमें किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं होती इसलिए प्रोडक्ट बनने में कोई एम्बिगुइटी नहीं प्रॉपर एक ही प्रोडक्ट इसमें बनेगा जी बच्चों अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू